वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बारे में। जो आपका खंडशः समाकलन है उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्या इसका टाइप होता है, तो चलिए जान लेते हैं हम। इसमें क्या है, आपके जो दो फंक्शंस होंगे, ठीक है, कोई भी दो फंक्शंस होंगे और दो फंक्शंस वो आपके मल्टीप्लाई होंगे। तो सपोज कर लेते हैं हम कि आपका यू और वी दो फंक्शंस हैं, ठीक है, और ये जो यू वी हैं वो आपके फंक्शन ऑफ एक्स हैं, ठीक है, दोनों क्या हैं, फंक्शंस ऑफ एक्स हैं। तो इसका हम यदि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है फर्स्ट और सेकेंड, इसको किसी भी आप फर्स्ट और सेकेंड मान सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ आपका फंक्शन किस टाइप का है, ठीक है, एल्जेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथम है, या ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक किस टाइप का है, उस हिसाब से आप फर्स्ट सेकेंड मान, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको अभी एक शॉर्ट एक ट्रिक बताऊँगा जिसको आपको पहला और सेकेंड मानना है। चलिए अभी हम इसको पहला मान लेते हैं, इसको सेकेंड, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, जो फर्स्ट है वो आपका सेम रहेगा और जो सेकंड है उसका इंटीग्रेट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस। अब क्या है, यहाँ पर जो फर्स्ट रहेगा उसका करेंगे आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और जो सेकंड रहेगा उसका इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर जितना टोटल आता है उसको एक बार फिर से इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, और प्लस सी। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको इंटीग्रेशन पार्ट में यूज होता है, ठीक है। तो अब चलिए हम फंक्शंस समझ लेते हैं, किसको पहला और किसको आपको सेकंड मानना है, ठीक है। तो चलिए इसमें हमने एक आपको ट्रिक बताया है, आई लेट करके फॉर्म है, ठीक है। यदि आई, अब आई फॉर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा साइन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स, इस तरीके से, ठीक है। एल, एल फॉर लॉगरिथम फंक्शंस, ठीक है, लॉगरिथम फंक्शंस आप जानते हैं, लॉग एक्स, ठीक है, सपोज। तो ए, ए फॉर एलजेब्रिक फंक्शंस, ठीक है, एलजेब्रिक फंक्शंस जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स, ठीक है। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे आपको पता है साइन एक्स, कॉस एक्स, ठीक है, टेन एक्स, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर एक्स एंड सो ऑन। तो ये जो फंक्शंस हैं आपको इसी फॉर्म में, यदि आपको ये दो फंक्शन दिए हैं तो पहले आपको ये मानना है, ठीक है, फिर यदि आपको इनके बीच ये दो फंक्शंस हैं तो पहले आपको इसको मानना है और दूसरा फिर इसको, ठीक है। इसी तरीके से ई और ए, मतलब दो फंक्शंस कोई होंगे जो मल्टीप्लाई में होंगे और उनका आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेकेंड आपको इस क्रम में मानना है, ठीक है, पहले आपको इसको इनवर्स वाले को मानना है, दूसरा लॉगरिथम वाले को, ठीक है, तो उस हिसाब से आप मान लेंगे, ठीक है। अब चलिए मैं एक फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको इंटीग्रेट करना है एक्स लॉग एक्स डीएक्स, ठीक है, और कहा गया कि इसको आप सॉल्व करिए, हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, क्या इसका सॉल्यूशन आएगा। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट सेकंड आपको किसको मानना है, ठीक है। अब देखें इसमें आप, तो इसमें आपका एक एलजेब्रिक टाइप है और दूसरा लॉगरिथम टाइप है। तो अब आप देखिए इसमें एलजेब्रिक पहले या बाद में, बाद में है, यानी इसको आपको बाद में मानना है, ठीक है, और इसको लॉग जो है इसको पहले मानना है आपको। तो चलिए इस तरीके से आप लिख लें इसको, लॉग एक्स पहले लिख लें, एक्स बाद में लिख लें, ठीक है, आ जाएगा ये। चलिए अब इसको वाई फॉर्म में लगा दीजिए, तो फर्स्ट लॉग एक्स जो करते हो रहेगा और
जो एक्स है इसका इंटीग्रेट करिए, तो एक्स का इंटीग्रेट आपको पता है कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, क्योंकि पावर वन है, एक्स पावर एन से इसको सॉल्व करेंगे, तो एक्स पावर वन प्लस वन अपन वन प्लस वन, ठीक है, माइनस, अब देखिए यहाँ होल इंटीग्रेट करेंगे, किसका होल इंटीग्रेट करेंगे आप, प्लस सी हम यहाँ लगा देते हैं, किसका करेंगे, पहले का अवकलन, तो लॉग एक्स का अवकलन एक बटे एक्स, और इसका यदि हम एक्स का इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, ये तो आपका सॉल्व हो गया, यहाँ इंटीग्रेशन साइन है नहीं, ठीक है, माइनस यहाँ पर आपका बचेगा एक एक्स, यहाँ कैंसिल होगा ऊपर से, तो एक्स बचेगा, तो वन बाई टू जो है वो बाहर कर लीजिए, और एक्स टी एक्स ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लाइन होगी वो क्या रहेगी आपकी, नेक्स्ट लाइन लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन बाई टू, अब आपको इंटीग्रेट करना है एक्स का, ठीक है, तो एक्स का इंटीग्रेट आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, तो ये जो है आपका ये आंसर रहेगा, और इस तरीके से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है किस फंक्शंस को पहले किसको मानना है, ठीक है। तो इस पे बेसिस और भी बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, तो वो सभी सवाल आपको बुक्स से सॉल्व करने हैं, और जो सवाल नहीं आते हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपके अगले वीडियो में, ठीक है, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।